YouTube चैनल और जैसा कि आप लोगों के लिए आज मैंने एक नई वीडियो लाई है जो कि Yamaha RX 100 के ऊपर है। सो गाइस, जैसा कि अभी बहुत दिनों बाद मैं गांव से मुंबई आ चुका हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरी जो पहली यहाँ की Yamaha RX 100 थी, जो ब्लैक में मैंने बनवाई थी अभी जल्दी में, उसको आज मैं बहुत दिनों बाद निकालने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, अभी बहुत दिनों से भाई ये धूल खा रही है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों बाइक्स खड़ी है, बुलेट है और ये Yamaha की RX 100 है। जो ये कवर में मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, सो गाइस देख सकते हो पूरा धूल धूल हो चुका है, डॉगी बेटा है नीचे बाइक के। तो ये कवर मैंने यहाँ पे रख दिया। फाइनली गाड़ी का हालत देख सकते हो आप लोग, अभी इतने दिनों बाद, मतलब मैं पूरा एक साल गांव में था और यहाँ पे पूरी बाइक की वाट लगी। देख सकते हो यहाँ पे पूरा ऐसा रस्ट लगने लगा है। तो अभी इसको पहले तो हम लोग निकालेंगे, इसको अभी निकालता हूँ मैं, और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डीजल वॉश करवाना है। तो मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बन जाए इसके ऊपर, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने ये निकालने का मतलब निकालने जा रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग छोटे मोटे रस्ट लगे हुए हैं जो कि आगे चल के पूरा ख़राब कर देंगे रिम को, स्पोक को भी, स्पोक में भी लगे हुए, रिम में भी लगे हुए। चलो देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाएगा उसका भी। तो गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं ये गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों की कुछ दिक्कतें आ रही है कि नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं अभी। सो बस फाइनली इसको अभी मैं चालू कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने की भी ऑन कर दिया है, पूरा गाड़ी कर रहा हूँ सुधर। और गाइस देख सकते हो आप लोग, चौक में भी, मतलब चौक में पहले लिया था मैंने, उसके बाद में ये गाड़ी एक ही किक में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही मेंटेन रखा है, क्योंकि इसमें मैंने कार्बोरेटर का कुछ भी सेटिंग नहीं करवाया, क्योंकि उसको करवाने के बाद बार बार ये गाड़ी बंद हो जा रही थी। तो मैंने बोला चलो इसको करवाते ही नहीं है, मतलब इसको RPM हाई पे रखा है एकदम। गाइस पूरा गाड़ी एकदम बढ़िया पिकअप दे रही है यार। अभी इसको पहले तो धुलाने लेके जाना है मुझे, वाइब्रेशन हो गया है गाड़ी में पूरा एकदम, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है जैसे कि देख सकते हो आप लोग, गार्ड वगैरह। सो गाइस पहले तो इसको धुलाने लेके चलते हैं, देखते। और इसके अंदर मुझे हवा भी कम लग रहा है, तो पहले वो भी करवा लेते, किधर पे भरवा लेते हवा। बहुत ही ज्यादा मजा आता है ये गाड़ी चलाने में मुझे। ओ, इसका स्पीडोमीटर भी चला गया है, मतलब खराब हो गया है, वो भी देख सकते हैं आप लोग पूरा। और इसके ब्रेक भी मतलब थोड़े थे, इसका मेरे को लगता है मेजर किट डालना पड़ेगा, जो आगे का डिस्क ब्रेक होता है उसका। गाड़ी तो गाइस एकदम बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने अभी को बहुत दिन बाद निकाला है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी ये पूरा गाड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस थोड़े मोड़े रस्ट लग गए, लेकिन अभी वो थोड़े मोड़े ही ज़्यादा कर देंगे। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे ऑयल भी लीकेज हो रहा है कहीं से, बट वो कहाँ से हो रहा है ये तो अंदाज़ा नहीं लगा अभी तक। चलो ठीक है, देखते हैं। इसका कार्बोरेटर भी पूरा ख़राब हो गया है, मतलब बाहर से तो ख़राब ही दिख रहा है, इसको धुलवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूरा रस्ट पकड़ लिया है यहाँ पे। तो गाइस पहले तो इसको धुलवाते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं। गाड़ी एक किक में स्टार्ट होती है, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे
बहुत ही मजा आता है ये गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ा भरा हुआ रोड रहता है, इसके लिए वो कट वगैरह मारने में बहुत ही आसानी होती है। और गांव में खुला खुला रोड रहता है यार, वहाँ पे क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है तो समझता ही नहीं, एकदम लो एकदम इस पे चलाना पड़ता है। जैसे कि एक स्पीड पे चला रहे, जैसे 40-50 के स्पीड पे चला रहे, तो उतने पे ही चलाते रहो। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आ गए गाड़ी धुलाने के लिए। तो ठीक है, तो भाई अभी अपना गाड़ी यहाँ पे क्लीन कर देंगे पूरा, भाई डीजल वॉश करना है पूरा, ठीक है ना, इसको पूरा डीजल वॉश करना है। तो मैं बैठता हूँ, ये गाड़ी होने के बाद कर, ठीक है ना। सो गाइस अभी आ गए हम लोग यहाँ पे गाड़ी धुलाने, और देख सकते हो आप लोग पूरा यहाँ पे ऑलरेडी एक गाड़ी लगी हुई है जिसका काम चालू है, और यहाँ पे भाई भी बोल दिया अभी कर देता हूँ, और यहाँ पे दूसरा भाई भी बैठा हुआ है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, और अभी ये धोने के बाद में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसी लग रही है बाइक। सो गाइस फाइनली अभी यहाँ पे गाड़ी का वॉश करके हो गया, अभी भाई यहाँ पे डीजल ये करना है, इसको पूरा डीजल वॉश करवाना है, क्योंकि इसका जो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया स्पोक्स में, इसमें पूरा रस्ट लग रहा था, और यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा रस्ट लग गया है यहाँ पे पूरा। तो अभी इसको पूरा भाई डीजल लगा रहे, तो देख सकते हो आप लोग। तो गैस फाइनली गाड़ी धो के हो गया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो अभी पहले से बेटर ही लग रहा है गाड़ी। अभी इसको हम लोग चलाएंगे, और इसके अंदर अभी मुझे ऐसा लगता है बहुत ही काम है, मतलब जैसे कि इसका फिल्टर वगैरह भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, या फिर साफ करना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा। गाड़ी में हवा नहीं है, और यहाँ पे बहुत ही मजा आता है गाड़ी चलाने के लिए। गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आता है गाड़ी चलाने में मुझे, और जैसे कि मतलब मैंने निकाला था अभी बहुत ही गंदी थी जैसा कि आप लोगों को दिखाया मैंने, और अभी वॉशिंग करके भी हो गया गाड़ी। तो अभी गाड़ी वो ले जाके मैं वैसे ही खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसमें मतलब थोड़ा सर्विसिंग वगैरह करना है, तो वो मैं खुद ही करूँगा ये गाड़ी का। उसके बाद में 26 जैन को राइड पे जाना है, तो फिर थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस आज की जो वीडियो थी यहीं तक थी, और इसके आगे भी वीडियो आती रहेगी, क्योंकि गांव में था गाइस तो बहुत ही मतलब वीडियो बनाने में बहुत ही डिफ़िकल्ट था, वहाँ पे क्या मतलब कंटेंट कुछ समझता ही नहीं था वहाँ पे कि क्या बनाना है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे रहते जहाँ पे वहाँ पे सब इजीली हो जाता है, वहाँ पे इतना इजी नहीं था। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना चैनल को, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं।